आजकल शादी करना बहुत ही मुश्किल है। तो शादी होगी या नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी एक जिम्मेदारी है, मैं इस जिम्मेदारी को फिलहाल नहीं उठा सकती। काम तो मेरा है ना। आजकल शादी करना बहुत ही मुश्किल है। बात पैसों की नहीं है, शादी करना ही मुश्किल काम है, क्योंकि शादी होती है दो दिलों के बीच। जी नहीं, शादी होती है दो खानदानों के बीच। इसमें पैसा, स्टेटस, साथ पार, इसका पप्पा, उसकी मामी, तब जाके होती है कहीं शादी। लेकिन फिर भी लड़की के दिल में रहता है डर, ये शादी होगी या नहीं। सीट 4B की जो ब्राइड है उन्होंने तैयार होने से मना कर दिया है। क्यों? मैम आई डोंट नो, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। चलो चल के देखते हैं। हेलो जीजू, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा मन ठीक तो है ना? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, आप बस जल्दी आ जाएं। अच्छा, आता हूँ। तुम लोग कहाँ हो? हेयर कशफ सलोन। Yes, I'm sending. Hi, मैं हूँ हूर। अच्छी लग रही हूँ ना? तो आपको बताना ये था कि मोना बाजी ना किसी से डरती वरती नहीं है, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी से डरती नहीं है। एक बार जो उनके जहन में बात आ गई ना, वो आ गई, फिर वो टस से मस होने वाली नहीं है। कल ही की बात ले लो, सारे सलोन्स घुमा लिए, सारे पार्लर्स के चक्कर लगा लिए, सारी डिस्काउंट डील्स बता दी, मगर नहीं, मुझे तो कश्यप ब्यूटी सलोन से तैयार होना। एंड नाउ वी आर हियर। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई जिद्दी नहीं हूँ, लेकिन जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं है मुझे। हमारी सोसाइटी का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना। मेरा बस चले ना तो मैं उनकी टांगे ही तोड़। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही, आज तो मेरी शादी है, बस थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। ऊपर से जिम्मी के घर वाले और उनकी डिमांड, तौबा, मेरी समस्या तो बाहर है। अब आप ही बताएं, मैं उस जिम्मी से शादी करूं या फिर ना करूं? वेलकम टू कश्यप सलोन, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूं? मुझे किसी से मिलना है। किससे मिलना है? माय फ्यूचर वाइफ एंड लव ऑफ दी लाइफ मोना। देखो ना, Thank you.
जिम्मी तुम यहाँ? हाँ? तुम जहाँ हम वहाँ। अच्छा हो तुम मुझे यहीं मिल गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सारी जिंदगी तुम्ही से तो बातें करनी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या सुना नहीं तुमने? मैंने कहा मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकती। मर गए। ये कैसी बातें कर रही हो यार? आज हमारी शादी है, क्यों कर रही हो ऐसा? दुला भाई आप आ गए? चाय कॉफी कुछ लाऊं? हाँ? चाय कॉफी? हाँ, दो कप विदाउट शुगर। विथ शुगर? ओ गॉड, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं कॉफी विद शुगर लेती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर इधर आओ। मोना मेरी बात सुनो प्लीज। मोना, अरे व्हाट्स रॉन्ग बेबी? जिम्मी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो क्या किसी और से शादी? ओहो जिम्मी, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तो क्या लेस्पो? पता था मुझे तुम्हारी कजन आलिया के साथ। एक तो तुम लोगों की सोच सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे आके ही क्यों खत्म हो जाती है। लुक, ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। समझ आई तुम्हें? मोना, मैं ये तो नहीं कह सकता तुमसे कि शादी के कार्ड छप चुके हैं। अरे अब तो लोग लोकेशन पिन फॉलो करते हुए हॉल पहुंचने वाले, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रही हो यार? जिम्मी शादी एक जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को फिलहाल नहीं उठा सकती। अरे उठाने का काम तो मेरा है ना। तुम मेरी जिम्मेदारी निभाना तो मैंने ही है ना। कब तक, आखिर कब तक तुम इस जिम्मेदारी को उठाओगे जिसको चलाने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ? मोना प्रॉब्लम क्या है? जिम्मी प्रॉब्लम तो बहुत सी है, तुम किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? जिम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। शादी एक बंधन है, घुटन है। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, वैसे मत खाओ, वैसे मत बैठो, एंड ऑल दैट क्रैप। याद है तुम्हें? याद है मंगनी पर जब रिंग घुसी तक नहीं थी मेरी उंगली में कि तुम्हारी मम्मी ने कहा बहू चांद सा पोता चाहिए बस मुझे। What the fuck यार, शादी तो हो लेने दो, और बेटा होगा या बेटी मुझे क्या मालूम। अरे इतनी सी बात, ये तो मैं संभाल लूंगा ना जिम्मी। जिंदगी बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है, और मेरी जिंदगी ना घर की चार दीवारी देखने और शोहर का इंतजार करने में वेस्ट नहीं हो सकती। तो बच्चा पैदा होने के बाद जॉब कर लेना, सिंपल। पता था मुझे, पता था तुम मर्द समझना ही नहीं चाहते। ये बात तो तुम्हें पहले ही पता थी ना? पता है, जब भी तो इनकार कर रही हूँ, गलती हो गई, सुधार रही हूँ उसे। जिम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी फ्रीडम को कैसे छोड़ सकती हूँ यार। कितनी खुश थी मैं
जब हम दोनों पहली बार मिले थे। इट वॉज़न्ट अ लव एट फर्स्ट साइट। बस तुम अच्छे लगे थे, अलग थे, दूसरों की तरह छिछोरे नहीं थे, चिपकू नहीं थे, सब कुछ कितना सही जा रहा था। तो फिर ये शादी कहां से बीच में आ गई यार? बीच में नहीं, एंड में, एंड में। एंड तो शादी पे ही होता है ना। That's what I say. शादी is the end. इसके बाद हम दोनों की लाइफ की वाट लग जाए। हम दूसरों के बोलने पे चलेंगे, उनके बोलने पे बच्चे पैदा करेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। इन सब में हम दोनों कहाँ रह गए यार? क्या इसीलिए हम शादी कर रहे हैं? शायद नहीं, शायद इसलिए हम शादी करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। शायद इसलिए कि जिंदगी इसी को कहते हैं। ये सब बकवास है। कोई किसी के लिए नहीं जीता, और कोई किसी के लिए क्यों जिएगा? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ यार, जिंदगी जीना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो क्या शादी करना जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं? क्या एमलेस जिंदगी गुजारना ही जिंदगी का सबसे बड़ा एम है, जिसकी ना शुरुआत का पता और ना ही एंड का? वो ना, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशियां मानना चाहता हूं, तुम्हारे साथ वेनिस की एक बोट में एक शाम गुजारना चाहता हूं, और कश्मीर की वादियों में खो जाना चाहता हूं। और इस सब के लिए मोना, तुम्हारा साथ होना जरूरी है, मेरी और तुम्हारी शादी होना जरूरी है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है मोना कि शादी के बंधन में बंधना आजादी के खिलाफ है, तो मुझे इस आजादी से कोई सरोकार नहीं मोना, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये साथ तब भी चाहिए जब जिंदगी बेरहम होगी मुझ पर, और तब भी जब जिंदगी फूल बरसाएगी हम पर। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा, हमेशा के लिए। तो फिर सोच के जवाब दो, विल यू मैरी मी? Yes. Really? अब के इनकार किया तो जाने नहीं दूंगा।